हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु फंक्शन कंसल्टेंट, और मैं आपसे नए नए टॉपिक्स के बारे में जिक्र करती रहती हूँ। आप किन टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोज में उन टॉपिक्स को जो है वो शामिल कर सकूँ। खैर, आज हम बात करेंगे नंबर 11 की। नंबर 11 को न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारी, इसमें ना जैसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एबिलिटीज होती है, करिज्मेटिक एबिलिटीज होती है। नंबर 11 जो है वो, अगर आप मेरी मानिए एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं ये भी जानती हूँ कि थोड़ा मुश्किल और कठिन नंबर भी होता है। ऐसे लोगों को डील करना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इट्स लाइक डीलिंग विद टू पीपल एट वंस, यानी कि दो शख्सों, दो लोगों की जो खूबियां है ना, वो आपको एक ही शख्स में नजर आएंगी। बहुत बार मैंने ये भी एग्जाम्पल दिया है कि ये वो लोग हैं जो पेंडुलम की तरह दो एक्सट्रीम्स के बीच जो है इनकी जिंदगी उलझी रहती है। क्यों? क्योंकि कभी तो आपको ये बहुत करिज्मेटिक नजर आएंगे, और अचानक ही ये आपको दूसरे पल जो है वो एक जॉम्बी की तरह मंडराते हुए, कि उस चीज में इनका बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया है। कई ये वो शख्स हैं जो किसी के अंदर, इनके अंदर खुद के अंदर बहुत एनर्जी होती है, और खुद भी ये दूसरों के अंदर बहुत एनर्जी भर सकते हैं, बट जब तक जब बारी आती है कभी इनकी अपनी एनर्जी को डिस्प्ले करने की, या तो ये आपको लाइन में सबसे आगे नजर आएंगे, या फिर एक डेड बैटरी की तरह कहीं साइड पर मिलेंगे। नंबर 11 की बात हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैंने क्यों कहा कि ऐसे एनर्जीज हैं इनके अंदर, जैसे कि हम दो लोगों से बात कर रहे हैं, दो एक्सट्रीम लोगों से, वो इसलिए क्योंकि नंबर 11 बना कैसे है, 1-1, यानी कि दो, इनके पास डबल एनर्जी है सन की। तो किसी भी काम को अगर करना हो ना किसी और के मुताबिक, ये बहुत जल्दी कंपैरेटिवली खत्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इनका इंटरेस्ट वहां डेवलप हो जाए तो। अब नंबर 11 का जोड़ क्या बनता है, 2, जो कि आता है मून का नंबर। तो चंद्रमा जब की बात करते हैं, चंद्रमा का नेचर कैसा है, शांत। तो उसी तरीके से कि ये अगर आपको कभी, तो ये बहुत आपको हड़बड़ाहट में नजर आएंगे, और अचानक ही दूसरे क्षण ये बिल्कुल शांत हो जाएंगे कि जब होना है काम हो जाएगा, मुझे जिंदगी में स्ट्रेस चाहिए ही नहीं। ये बहुत ज्यादा, कई बार इनकी नेचर जो है वो भी सेंसिटिव हो जाती है। इनमें दोनों कॉम्बिनेशन आपको नजर आएंगे, फायर की तरह आग बबूला भी जल्दी होते हैं, और पानी की तरह ठंडे भी जल्दी हो सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि इनका मूड कैसा चल रहा है, क्योंकि मूड की ही तो बात है सारी। इनके मूड स्विंग्स जो हैं वो काफी नजर आएंगे आपको। ये काफी सेंसिटिव लोग होते हैं, यानी कि दिल से में इनके बात जो चुभ गई, या कोई शख्स की बात बुरी लग गई, या कोई शख्स ही बुरा लग गया, तो ये जल्दी उसे भूलते भी नहीं है। नंबर 11 के अंदर मैग्नेटिक कैपेबिलिटीज होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, यानी कि लोग इनसे एक के बाद एक जो है वो जुड़ते जाते हैं। इनफैक्ट जो लोग भी इनके इनसे जो है वो जुड़े हुए हैं, भले वो वर्क वाइज हो या रिलेशनशिप वाइज, रिलेशनशिप के बारे में जरा और जिक्र करेंगे, बट वर्क वाइज ये अच्छी पोजीशंस पर काम करते हैं। इनका इंटरेस्ट भी वहीं आता है जहां इनको पावर दिया जाए, इनको अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिला जाए। रिलेशनशिप में इनकी जिंदगी जो है वो मिक्स्ड बैग होती है। क्यों? क्योंकि ये वैसे आप देखेंगे ना कि अपने आप के साथ रहकर भी अकेले ये बहुत खुश नजर आते हैं, बट जहां इनको इनके जैसा ही अगर कोई शख्स मिल जाए तो ये बोर भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि रिलेशनशिप फ्रंट पर इनकी जिंदगी जो है वो मिक्स्ड बैग रहेगी। हाँ, इनकी अटेंशन को पाने के लिए आपको ये काम करना है कि अपनी जिंदगी में मोनोटोनी को त्यागना होगा। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जल्दी स्विच करते हैं, तो आपको आपको खुद जो है वो स्विच नहीं करना, बल्कि इनके मूड के अकॉर्डिंगली आपको अपनी रिलेशनशिप में चीजों की वैरायटी को ऐड करना चाहिए। नंबर 11 के लोगों को सक्सेस तो मिलती है, पर मेहनत के बाद ही मिलती है। अगर आप ये चीज कहिए कि इनके पास लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो चार इकट्ठी आ जाएंगी, नहीं आएंगी तो चार चार, ये भले ये लगातार फॉलो अप करते रहे, इनके पास वो लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज तभी आएंगी, या आपकी जो प्लैनेटरी फेव जो जो इन्फ्लुएंस है, प्लैनेटरी दशा जो है वो आपके फेवर में हो। वरना इस दौरान अगर वो प्लैनेटरी आपकी जो दशाएं हैं वो आपके फेवर में नहीं काम कर रही, तो दिक्कतें जो है वो एक के बाद एक, यानी एक के साथ फ्री एक भी फ्री मिल सकती है। अगर आप किसी नंबर 11 को जानते हैं तो टैग करना मत भूलिएगा। अगर आप खुद नंबर 11 है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी ऐसी है या नहीं।